नमस्कार, आप देख रहे हैं TV45 और मैं अनुज कुमार पांडे। आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसे देखकर आप निश्चित कहेंगे, वाह, हमारे भारत में एक ऐसा भी देश गांव है जहां पगडंडियों के सहारे लोग पहुंचते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चतरा जिले के कन्हाचट्टी प्रखंड और राजपुर थाना अंतर्गत कुराग गांव की। यह गांव लगभग 20 से 30 घरों का गांव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस गांव के साथ में है, वो है पहुंच पथ का। आपको आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस गांव तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप कह सकते हैं कि अगर पूरा गांव आपको पहुंचना हो तो निश्चित मानिए अपनी जान हथेली में लेकर आप यहां पहुंच सकते हैं। इस कुराग गांव में कई समस्याएं हैं, ऐसे तो मुख्यतः आप सड़क देख रहे होंगे। इसके अलावा यहां पे नियमित बिजली आई है, पर बिजली नियमित नहीं है। यहां पे लोग आज उसी डिबरी युग में रहने पे मजबूर हैं, क्योंकि ये जो बिजली आई है वो अपना कारम पूरा कर रही है। किसी दिन गलती से थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन पुनः फिर वो उसी तरह चली जाती है जैसे गधे के माथे में सींग। ये कुराग जो गांव है, ये गांव पूरी तरह से जंगलों से, चारों तरफ से जंगल है इस कुराग गांव के। लेकिन जो लोग यहां थे, बीते दिनों जिला प्रशासन और कई लोगों के प्रयास से इस कुराग के अगल बगल जो नशे की खेती होती थी उससे इन्हें निजात मिली। आज कुराग गांव के लोग पूरी तरह से, और विजुअल में देख सकते हैं कि यहां पे मक्का की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, उड़द की खेती कर रहे हैं, इनमें जो भी फसलें हैं उसकी खेती करके और पूरी तरह से खुश हैं। यहाँ पे कई नौजवान हैं और इस गांव के लोग हैं। मैं उनसे जाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ के लोग को क्या सुविधा चाहिए, किस तरह की अव्यवस्था इनके साथ में है, कैसे इनका समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा धनेश्वर सिंह भक्ता हुए। अच्छा धनेश्वर, धनेश्वर ये जो कुराग गांव है, कितने घरों का ये गांव है? ये 20-25 घर के गांव है। अच्छा, 20-25 घर में। तो किस किस जाति के लोग यहाँ रहते हैं? भुइया होते हैं और भोक्ता। अच्छा, भोक्ता जाति और भुइया रहते हैं। तो अभी जो यहाँ पे सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा आपको मिली है और क्या समस्या आपके साथ में है धनेश्वर? एक तो ही बिजली ही मिले हैं, रोड के से समस्या वही है, पतल ढेका जो है से है, बाकी तो स्थिति खराब है, यहाँ चल रहा है। तो आप सड़क पे ऐसे कैसे जाते हैं, आप कन्हाचट्टी से कैसे जुड़ते हैं? कितना दूरी है यहाँ से कन्हाचट्टी? थोड़ा सा आगे आप आए, यस, तो करीब करीब 12-13 किलोमीटर है। कन्हाचट्टी पड़ता है। हाँ। प्रखंड मुख्यालय। हाँ, प्रखंड मुख्यालय। तो हाँ। कैसे जाते हैं आप लोग वहाँ पे? इसी तरह जाते हैं, पैदल पैदल जाते हैं, साइकिल पर चलते हैं, मोटरसाइकिल से भी कैसे कैसे मंगा कर चलते हैं, तो पंचर हो जाता है, बड़े बड़े ढीके हैं, आते हैं उसी तरह, क्या करें। कुछ कई बार तो लोगों को चोट भी लग जाती होगी। कई बार तो चोट भी लगा है, तो क्या करें, यही समस्या है। विधायक सांसद जितना कहते हैं आते हैं, वोट लेट चले जाते हैं, बाकी कोई खाली दहली देख के अभी कहे ठीक है हो जाएगा, आज तक होते रहा और हम लोग इसी तरह चलते रहे। तो आप लोग इस बार वोट दिए? आप लोग वोट तो दिए। तो क्या लगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो आपका तो आस जगा होगा ना? आस तो है, लेकिन कर तो नहीं पा रहे हैं ना, कुछ नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं मिल पा रहा है, मिलता तो ये सब सरकार द्वारा जो राशन जो मिलता है, क्या यहाँ तक पहुँचता है? लाना पड़ता है। कितना दूर से राशन लाते हैं आप? करीब, और थोड़ा सा कृपया आगे आए, करीब यहाँ 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर राशन लाने के लिए जाना पड़ता है? हाँ। और जो सरकार की जो सुविधाएं है, सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है, वो आप तक पहुँच रही है गाँव तक? तो कुछ नहीं पहुंच रहे अभी। कुछ नहीं पहुंच रहा है। आवास मिला है आप लोग को? नहीं, आवास तो नहीं मिला है, आवास के इंतजार कहने से कर रहे हैं, फिर भी आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। किसी को नहीं मिला इस गांव में? नहीं, किसी किसी मिला है, कुछ कुछ लोगों को मिला है। हाँ, बाकी और
प्रयास जो कर रहे हैं सो अच्छा, क्या करते हैं आप लोग, क्या खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपना जीविकोपार्जन और इन बच्चों का कैसे भरण पोषण करते हैं? ये मक्का मड़ुआ यही सब करते हैं, खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं, तो यह भारी पोषण भरण होता है। और सब लोग मजदूरी करते हैं? हाँ, कुछ के व्यवस्था नहीं, मजदूरी करने ही पड़ेगा। व्यवस्था कुछ रहता तो देख ले, कुछ नहीं मिलता है, फिर वही नौकरी भी जाना पड़ता। अब आपकी मैं बात कुछ महिलाओं से करवाऊंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या कुछ समस्या है इनका। चाची का नाम हो तोर? हमार हाँ हमार मूर्ति मूर्ति भुनी मूर्ति भुनी। तब कितना उम्र तो हो लगा लो? हमार 60 साल। 60 साल लगा लो तोर, तब पेंशन मिलो काकी? हाँ मिलो पेंशन। और तोरा वो सब जो सरकार से और योजना हो जैसे चावल और सब मिलो? हाँ चौरा मिलो है। चौरा मिलो हो ने जक लावे पर हो, तो का चीज मांग करो ही तू? का मांग कर भाई है, रोड फोड़ तनी भूला है चल रही नहीं, पानी पर वक्त दिक्कत है, और लाइन है से एक वैध है, यही सब मांग है। अंधार में रहो ही बूढ़े, रात में बिछा उछा सांप उबना है काटो उनके? अब काटे तो मरा बार कहा डॉक्टर ही है ना वो कोई ना, हम बोलवो परो है बहुत दूर, तो डॉक्टर आवो है जब बोलवो ही तो इनका? हाँ बोलवो ही था वो। कहाँ सा वो डॉक्टर? कन्हाचट्टी। अच्छा एक बात बता दीजिए हमको कि जैसे अगर आप लोग बीमार पड़ते होंगे यहाँ पर, कोई बच्चा उच्चा या महिला बीमार पड़ती होगी, गर्भवती महिला, तो कैसे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास? कन्हाचट्टी जाने पड़ता है सर। तो कन्हाचट्टी तो बहुत दूर है चाचा यहाँ से, तो बहुत मुश्किल से लेने पड़ता है ना सर। कैसे ले जाते हैं महिला उला जैसे बीमार पड़ती है? पड़ता है तो यह साइकिल उकल होता है तो उसको पर अथी करके, नहीं तो फिर भी कोशिश परिश्रम से लेना पड़ता है। अब क्या करे भाई, बचाना तभी तो आपका ठीक नहीं है चाचा, तब का करे, तो टांग टूंग के लेना पड़ता है, जैसे ले जाए लेकिन लेना पड़ता है ना। अब का करे हम लोग, समस्या वैसे ही हाल है, सरकार यहाँ पर रोड नहीं दे रहा है, यार कुछ के साधन दे रहा है, तो हम का करे, हम लोग तब तो मर रहे हैं यहाँ बीच जंगल में। अब कैसे बाप पुरखा बस गया जंगल में, तब न पानी साधन है, न खाने ठिकाना, न पीने ठिकाना है, ऐसे रह रहे हैं, तो का करे। अच्छा चाचा कितना दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? करीब तो काय खोटी बीत गया है, अब पता नहीं है। तो आपके पूर्वज यहाँ पे पहले आए थे? हाँ पूर्वज खोटी काट के बसा है। अच्छा, तो आज ये जो आपके पास सड़क नहीं है यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो इसके लिए कभी आप लोग प्रयास किए जिला स्तर पर? प्रयास कर तो रहे हैं, कर दिए हैं, भी नहीं करता है, क्या करें हम लोग, सब घुसखोरी पर है, उतरा ला जहाँ इधर के आता है तो उधर ले के डाल देता है, लेकिन करता है नहीं। यहाँ खाली वोट लेने खातिर हाँ ये कर देंगे चाचा, वो कर देंगे दीदी, वो कर देंगे भैया, ऐसे करके वोट लेता है। आपके इस गाँव में कभी सांसद विधायक या मंत्री भी इसी चतरा से कभी आए यहाँ पर? नहीं, आता था वोट लेने खातिर, भले आया था विधायक उधायक सब आया था, मुखिया तुखिया सब घूरता है, लेकिन विधायक नहीं ले, ना विधायक नहीं आया है, यह जिला परिषद भले आया है। जिला परिषद आता है। अच्छा यहाँ के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, क्या वो कभी आए हैं यहाँ पे? नहीं आया है आज तक, नहीं नहीं आया है। अच्छा तो आप भोक्ता जाति से हैं, भुइया जाति से हैं, हाँ। किसी जाति से सत्यानंद भोक्ता आते हैं, हाँ हाँ। तो क्या वो अपने लिए कुछ किया आज तक, अपने अपनों के लिए? कहाँ कुछ किया है, अपना देश में भले जे कर लिया है, अपना पक्का रोड बना लिया, मकान बना लिया है, अपना साधन अपना गांव के लिए बना लिया है, ने दूसरा के जाति अपना जाति भी नहीं देखा, ने दूसरा जाति के देखा, अपना पेटों के देख लिया है खाली, और कहाँ किसी को देख रहा है? नहीं देख रहे आज तक, कोई जान तक नहीं देख रहा इधर। तो समझ सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से कितना परेशानी में ये अब बसर कर रहे हैं। एक तो 10 किलोमीटर का रेडियस में मुख्यालय है, और उसके बाद भी ऐसा रास्ता जिसमें चलना दुभर है, ऐसे में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनके साथ जो स्वास्थ्य की जो परेशानी आती है वो कैसे इन लोग करते हैं और कैसे अपने आप को इस गांव में रखे हुए हैं। आज ये जो इनके साथ जो ये परेशानी जो है, इस परेशानी को निश्चित मानिए कि जिला प्रशासन और सरकार को जरूर देखना चाहिए। मैं आपको कई और भी लोगों से भी बात करवाऊंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो दर्द है इनके अंदर में, ये जो यहाँ पे जो इनकी मजबूरी है वो किस कदर है। क्या नाम है चाचा आपका?
मुनेश्वर सिंह भोक्ता है। अच्छा, तो आपके भोक्ता समाज से ही चतरा में मंत्री हैं, जो पूरे झारखंड भर के मंत्री हैं, सत्यानंद भोक्ता। क्या कुछ किया उन्होंने आप लोगों के लिए? इस गांव में तो कुछ नहीं किया है, आज तक भी नहीं कुछ कम किया है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है उनका नाम से। क्या ऐसा नहीं लगा था कि अगर भोक्ता हमारे यहाँ के मंत्री और विधायक बनेंगे तो हमारा कायाकल्प होगा, ऐसा नहीं सोचे थे आप लोग? हम लोग तो सोच रहे हैं, और हम ही लोग से दिन से मतलब जैसे विधायक बने मंत्री बन गए, और जब बनना रहता है तब तो हम लोग से पैरवी करते हैं कि हाँ बाबू भैया चाचा से बोल भोटवा अभी दहा अभी बहुत काम तो इनके कर दो। अब जब जीत जाता है तो फिर वही हाल हो जाता है। अब ठगे रह गए उसके बाद फिर से। हाँ, इस बार भी मंत्री जी बने हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कुछ अपेक्षा आपको है उनसे? तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ करेंगे, आज तक तो यहाँ पहुँच भी नहीं किए कि कुरा गांव कैसा है और कैसा कुरा के लोग चलता है और कैसे रहता है। रोड के देखिए स्थिति वैसे नहीं है कि हम लोग मतलब गिरते पटकते कान्हा चट्टी पहुँचते हैं, मार्केट हम लोग के कान्हा चट्टी है और इसी तरह से पहुँचते हैं और आते हैं। किसी तरह से बीमार पड़ गया लड़का बच्चा या बूढ़ा गर्भवती औरत हुए तो मुश्किल से अब बताइए कि 2 घंटा या 3 घंटा में फोन करते हैं, फोनों यहाँ जल्दी न लगता है तो नेटवर्क यहाँ नेटवर्क नहीं है, नहीं है तो बड़ी मुश्किल से फोन लगेगा तो 3 घंटा 4 घंटा के बाद डॉक्टर आएगा तो मुश्किल से गाड़ी आएगा। रास्ता जिस हिसाब से उस हिसाब से गाड़ी आता है धीरे धीरे है ना, तो तब तक जो है व्यवस्था हो जाता है। अच्छा, अब तो बरसात का समय आ रहा है, बरसात में क्या करते हैं आप लोग? बरसात में खेती करते हैं मकई धान। जब लोगों का स्वास्थ्य प्रॉब्लम होता है, जब लोग परेशानी में गिरते हैं, डॉक्टरी सेवा की जरूरत होती है, वैसे में आप इस बरसात में कैसे ले जाते हैं? बरसात में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए कि रोड नहीं है, इधर पूरा साइड में नदी पड़ता है, नदी जब भर जाता है तो उधर आना जाना फिर बंद हो जाता है, जाना रहता है तो बताइए कि मतलब ये इधर से घूर के जाने में समय काफी लगता है। कितना किलोमीटर इस तरफ से घूम के जाएंगे तो कितना किलोमीटर होगा कान्हाचट्टी? कान्हाचट्टी इधर से 12-13 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, इधर से तो कुछ कुछ सुविधा है तो दुकानों का नजदीक है तो नदी जो है ना, नदी बरसात में भर जाता है तो हम लोग के आना जाना बंद हो जाता है। हाँ, इसका चलते है। क्या 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 मांग करते हैं जिला प्रशासन को, क्या कहते हैं या फिर सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा क्या रखेंगे, हम लोग के सड़क चाहिए बहुत जल्दी। बताइए कि इंदिरा आवास बहुत आदमी के नहीं मिला है, मतलब कॉलोनी बहुत आदमी नहीं मिला है, वो इंतजार में लगा हुआ है, गरीब आदमी से अपने से बना नहीं पाता है और सरकार के मतलब ये ऐसे आसाम लगा हुआ है। और ये बिजली की किस तरह की व्यवस्था? बिजली का देखिए उधर तो 5 साल बिजली जब पोल गाड़ दिए उसके बाद बहुत दिन तो खड़ा रह गया पोल, उसके बाद तार उड़ घींचे तो ट्रांसफार्मर गड़ाया से तो ट्रांसफार्मर लगता है कि 2 साल चला, उसके बाद जैसे खत्म हो गया उसके बाद लगता है कि 3-4 साल हम लोग अंधेरे में रह गए। अंधेरे में रहे तो जिला परिषद का चुनाव हुआ तो एक जिला परिषद बोले कि नहीं, इसे बोला हम ट्रांसफार्मर कर देंगे, हमको वोट चाहिए तो ट्रांसफार्मर वही दिया है। अच्छा, वो वोट के लिए आपको ट्रांसफार्मर मिला? हाँ, ट्रांसफार्मर मिला है। तो वो जैसे कभी कहा होता है कि कहीं तारे कट जाता है तो कहीं कहा होता है, फिर भी देखने वाला नहीं है, देख रहे कि यहाँ नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है तो फिर भी वैसे भी हम लोग अंधेरे में रहते हैं। चाची। हाँ। अरे कौन सी कोड़ लगल है तुहिन? मकई कोड़ रहा लिए। तब पहले पता लग लोग पोसता तुहिन कोड़ो हला है? तो वह वो खपर पोसवे रहते हैं हले। हाँ? तो यहाँ के लोग सब मतलब मकई वगैरह का सब का खेती करते हैं ना? तो मकई मड़वान खेती कर रही है। तो का अभी सरकार द्वारा का मिले लगल हो तोहरा? का मिलता अब रे फ्री उरी मिलल अब रे 2-3-4 महीना से अब बंदे है, फ्री ना मिले तो नहीं मिल रहा है। का दिक्कत है यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत का है महिला लोग के? दिक्कत तो अभी सब चीज के दिक्कत है, ये है नहीं दिक्कत है तो अभी रौदा ने मकई कोर रहा है तो दिखते न है, कोई चीज के रोजगार है ये नहीं है, कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। हाँ, रौदा उठते तो आखिर मकई मर जाते, कुआन पानी है ये नहीं है, पानी उनी की व्यवस्था सरकार से मिले हो तो राजाची? पानी उनी हमारे घर तक ले गिर रहा है, हम तो खपर पोस हमसे
सरकारी आवास नहीं मिले थे? नहीं मिलला खान हमरा ता तका और काटा। और एक चीज बतावा, इधर जो महिला लोग के जो परेशानी हुए थे, जैसे डॉक्टर उक्टर के जरूरत पड़े थे महिला का, क्या करे? फोन से बतिया तो वह तो बड़ी देरी नहीं तो और का दिक्कत हो तो वह खन गाड़ी घोड़ा कैसु आदमी ले आदमी तो मर भी जाते तब का करे? अब ऐसे नाल तलाल ने नहीं होते तो मरने सुबह में है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं जो है, आप देख सकते हैं ये जो अपना मक्का का खेती कर रही है उसका कोड़म दे रही है महिलाएं। इस बीच उनसे जाने का प्रयास मैं किया और कि क्या परेशानी इन महिलाओं के साथ में है। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी वो चिकित्सीय सुविधा है। निश्चित मानिए यहाँ से 10 किलोमीटर इन पगडंडियों से और इस दुर्लभ रास्तों से जाना और एक व्यक्ति का इलाज करवाना खतरों से खाई नहीं है। निश्चित मानिए कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से जाते हैं किसी तरह से वो साइकिल पे वो या फिर उनको टांग कर चारपाई पे ले जाना पड़ता है और फिर कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में उनकी जान चली जाती है। तो निश्चित मानिए इन लोगों के पास सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है पहुंच पथ की। सरकार को इस ओर निश्चित ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है मुनि तुम्हारा? पूनम कुमारी। कितना क्लास तक पढ़ी हो तुम? सेमेस्टर 3 में अभी। सेमेस्टर 3 में? बीए सेमेस्टर 3 में। हाँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि आप इसी गांव से हो? हाँ। क्या नाम है पापा का तुम्हारा? श्री मुनेश्वर सिंह भुगता। कैमरे तरफ देख कर थोड़ा सा बताओ, ये बताओ कि आपके गाँव को आप कैसा गाँव चाहती हो, किस तरह का गाँव आपका हो? ये गाँव में तो बहुत कमी है, मतलब जिस टाइप से गाँव होना चाहिए उस टाइप से नहीं है। क्या क्या सुविधा आपको चाहिए इसमें? सुविधा में तो जरूरी में तो रोड चाहिए और बिजली भी जो है जो बहुत कम आता है, कट कट के बरसात के टाइम में, और बहुत कम, रात को ही अंधेरा अंधेरा, और दिन को जब कभी आता है फिर भी वो कट कट के ही आता है, थोड़ा मोटा बिजली आती है। इसमें पढ़ाई करने के लिए भी सोचना पड़ता है, हम लोग तो गरीब लोग हैं इसलिए तो कुछ तो सुविधा रहता नहीं, लेट बत्ती का जो भी भरोसा रहता है लाइन का वो भी तो सही से नहीं आता है। बिजली चली जाती है तो फिर आप कैसे पढ़ते हो आप लोग? जैसे बिजली चली जाती है तो फिर लालटेन वगैरह जिसको घर है जो सुविधा थोड़ा बहुत है उससे पढ़ाई करते हैं। तो किरोसिन तेल मिलता है आपको लोग को? नहीं। किरोसिन तो फिर कैसे जलाते हो? किरोसिन तेल भी नहीं, खरीद के बाजार से खरीद के। हाँ तो क्या चाहती हो सरकार से, क्या कहना चाहती हो? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि रोड अच्छा से बना दे, बिजली भी अच्छा से दे, और फिर जिसको राशन मिल रहा है वो मिलिए रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उस पे भी ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ा चीज है वो एजुकेशन का। यहाँ हाँ। पे जो लोग हैं वो कैसे एजुकेटेड होंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ के जो लोग है ना छोटे छोटे बच्चे है, यहाँ के लोग इतना भी ये नहीं है कि अच्छा से कमा पाते हैं रह पाते हैं, जो बड़ा स्कूल में पढ़ा सके बाहर में रख के पढ़ा सके, जो भी भरोसा रहता है सरकारी स्कूल के भरोसे रहते हैं, उसमें भी सरकारी स्कूल है तो उसमें बच्चा जितना भी पढ़ सके, पर पढ़ने के लिए यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है, पचमा तक है, इसके आगे सहादू है, वो 8 तक है, उसके बाद मनगड्डा जाना पड़ता है, वो भी लगभग 7-8 किलोमीटर होगा, रोड ही खराब है तो बच्चा 10 तक भी पढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ का जो बच्चा है वो बगैर शिक्षा का रह जा रहा है, इसका मतलब? नहीं, यहाँ पे जो पचमा तक शिक्षा तो अच्छा ही मिल रहा है, यहाँ के जो सर है ना वो अच्छा शिक्षा अच्छा देते हैं। अच्छा टीचर अच्छे हैं? हाँ, यहाँ के जो टीचर है वो अच्छे हैं, अच्छा शिक्षा भी देते हैं। इसके आगे नहीं जा पाता ना, रोड सही नहीं, जैसे कि दूर है ना, जैसे बच्चा 6ठा क्लास जब पचमा पास करता है 6ठा क्लास है, जंगल भी पड़ता है, रोड नहीं है, गाड़ी का साधन नहीं है, तो फिर छोटे छोटे बच्चा कैसे जाएगा? समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। छोटा छोटा निश्चित मानिए कि अगर आपके पास पहुंच पथ होगा, सड़क होगा, हाँ। तो निश्चित मानिए बच्चे जो आज अष्टम या सप्तम में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मन सबका है, बच्चा हर बच्चा चाहता है कि हम पढ़ाई करें, बट सुविधा यहाँ ये नहीं है कि जाने का रास्ता नहीं है, प्लस में जंगल है तो इससे डरते हैं बच्चे लोग। आप अभी मैट्रिक से ऊपर आप पहुंची हो? हाँ।
आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई किया है। हाँ। आप भी चाहेंगे कि ना इस गांव के जो बच्चे हैं उसे आप ही की तरह लोग सब। हाँ, हम भी चाहते हैं, यहाँ के लोग भी है वो भी चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे कुछ आगे चल के करे, सबका सोच रहता है, माँ बाप का सबका सोच रहता है, तो उसके लेवल से सुविधा नहीं मिल पाता है तो सरकार से सुविधा मांगते। आपने आपने देखा ये बच्ची जो बताई बहुत ही बेहतर बात इसने बताई। बच्चे सभी होनहार होना चाहते हैं, सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार को आज सरकार के ये जो व्यवस्था है यहाँ तक जो सरकार की पहुंच बेहतर पहुंच रही हुई है, जिस वजह से आज जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से महरूम रह पा रहे हैं। निश्चित मानिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।